तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी स्टडी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट क्या होती है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। दोस्तों अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं स्विच केस स्टेटमेंट होती क्या है। तो जो हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये भी इस एल्स की तरह एक कंट्रोल स्टेटमेंट होती है, यानी कि एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। ये डिसीजन बनाती है अपना, अगर डिसीजन कंडीशन ट्रू होती है तो मैचिंग होती है, वैसा ही हमारे पास इफ एल्स में होता था वैसा इसमें होगा। बट इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें केस वैल्यूज को मैच किया जाता है अलग अलग तरह से। वैसे होता है कि इसमें देखिए, आपको मैं एक फ्लोट चार्ट के जरिए बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आपको इसका सिंटैक्स बता दूँ। सिंटैक्स क्या है इसका, स्विच लिखेंगे हम सबसे पहले, स्विच लिखने के बाद हम ब्रेसेस डालेंगे, और ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारे पास ये वाला वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन होगा, इसको क्या करेगा स्विच, पहला पता करेगा कि ये कौन सा वेरिएबल और एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। स्विच के बाद क्या होगा, स्विच लिखने के बाद हम इसके ब्रेसेस में क्या लिखेंगे, एक एक्सप्रेशन और वेरिएबल लिखेंगे। और याद रखिए उसके बाद हमें सेमी कलोन नहीं लगाना है, उसके बाद हमारी कर्ली ब्रेसेस जहाँ से क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। और कर्ली ब्रेसेस को शुरू करने से बाद हम डिफरेंट डिफरेंट केस वैल्यूज लिखेंगे, जितने हमारे पास केस होंगे उतने हम केस वैल्यूज लिखेंगे और उतने ही हम ब्लॉक लिखेंगे। और एक चीज़ आपको दिमाग में याद रखनी है कि हर केस वैल्यू और ब्लॉक के बाद हमें ब्रेक जरूर लगाना है। अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो हमारी जो स्विच है वो टर्मिनेट नहीं होगी और लगातार ही एग्जीक्यूशन होती रहेगी। अब यहाँ पे यूज़ कैसे किया जाता है, मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। होता क्या है दोस्तों, जो हमने स्विच की ब्रैकेट लिखी है ना, स्विच की ब्रैकेट में हम कोई एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल को लिखते हैं, ठीक है। स्विच की ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन और वेरिएबल को। ई और बी का मतलब क्या है कि कोई एक्सप्रेशन और वेरिएबल, स्विच की ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना एक्सप्रेशन और वेरिएबल लिखते हैं। तो होता क्या कि सबसे पहले स्विच क्या करता है, ये पता करता है कि ये कौन सा वेरिएबल है, और जब वो कोई भी वेरिएबल हो, अगर उस वेरिएबल, अगर वो वेरिएबल कौन से केस वैल्यू से मैच कर रहा है, अगर वो केस वैल्यू वन से मैच किया है तो जो पहला ब्लॉक है कोड का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हमारे वेरिएबल जो है वो क्या है, केस टू से मैच कर रहा है, हमने अलग अलग केस लिखने हैं, जिस केस वैल्यू के साथ हमारा वेरिएबल मैच कर जाएगा या हमारा एक्सप्रेशन मैच कर जाएगा, वही केस, वही मतलब क्या है, वही केस वैल्यू का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमने ब्रेक लगाया ताकि ये टर्मिनेट हो जाए, बाहर आ जाए। आपको आई होप कि आपको समय लगा होगा, अगर आपको समय नहीं लगा तो अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए होता क्या, हमने क्या स्विच की स्टेटमेंट में एक सिंगल एक्सप्रेशन लिखा होता है, उस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के बाद स्विच क्या करता है, उसे अलग अलग केस वैल्यूज के साथ मैच करता है कि ये कौन से कॉन्स्टेंट के इक्वल है। पहला केस वैल्यू चेक करेगा, अगर मान लीजिए कि ये इस केस वैल्यू के साथ क्या है, इक्वल है, जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा था या फिर वेरिएबल लिखा था वो इस केस वैल्यू के इक्वल है, ठीक है ना। तो होगा क्या कि ये वाला जो इस केस वैल्यू के अंदर जो हमने कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वैसे ही वो चेक करेगा दूसरी केस वैल्यू को, अगर दूसरी केस वैल्यू के साथ वो मैच कर रहा है जो हमने एक्सप्रेशन या वेरिएबल लिखा था स्विच के अंदर, तो दूसरी जो क्या है, दूसरा कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर तीसरे के साथ मैच कर रहा है तो तीसरा कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं किसी के साथ कर रहा तो स्किप करता जाएगा। सभी में चेकिंग होगी कि किसके साथ ये मैच कर रहा है, मतलब क्या कि स्विच के अंदर जो हमने एक्सप्रेशन और वेरिएबल लिखा है उसे अलग अलग तरह से सभी तरह के केस वैल्यूज के साथ मैच किया जाएगा कि कौन सी केस वैल्यू के साथ ये मैच कर रहा है। और जिस केस वैल्यू के साथ वो मैच कर जाएगा वही जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी भी केस वैल्यू के साथ हमारा एक्सप्रेशन या वेरिएबल जो हमने स्विच के अंदर लिखा था वो मैच नहीं होता है, तो एटलीस्ट लास्ट में क्या होगा, हमारा एक डिफॉल्ट भी होता है। डिफॉल्ट पोर्शन के अंदर हमने एक कोड रखा होता है जिसमें क्या होगा, डिफॉल्ट के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा अगर ऊपर किसी भी केस वैल्यू के साथ मैचिंग नहीं हुई है। अब आपको इसका सिंटैक्स अच्छी तरह से मैं बता देता हूँ। सिंटैक्स क्या होता है, हम सबसे पहले स्विच लिखकर, स्विच हमारे पास एक रिजर्व्ड वर्ड है स्विच केस के अंदर, स्विच हो गया, केस हो गया, और ब्रेक और डिफॉल्ट, ये चार हमारे पास कीवर्ड्स हैं स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर। देखिए स्विच, डिफॉल्ट, ब्रेक एंड केस। केस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, केस भी जो है हमारे पास इसके अंदर ही आता है, मतलब रिजर्व्ड वर्ड है। अब इसका सिंटैक्स क्या था, सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच, स्विच लिखने के बाद हम ब्रैकेट के अंदर अपना एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल को लिखते हैं, ठीक है ना। अब जो भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन हमने इसके अंदर लिखा है, मान लीजिए इसके अंदर हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा है, सबसे पहले ये कैलकुलेट होगा, और कैलकुलेट होने के बाद ये कौन सी कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ मैच कर रहा है वो कौन किसमें चेक होगा, केस वैल्यू के अंदर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद जितने हमारे पास केसेस होंगे, केस वैल्यू एन, इसका मतलब कि जितने हमारे पास केसेस हैं उतने ही हम केसेस लिखेंगे, उतने ही केसेस के साथ ये क्या होगा, मैच होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा
क्या ए है, तो केस वैल्यू वन जो है वो ए है, तो ये इसके साथ मैच हो गया, तो ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कि स्विच के अंदर हमने जो भी एक्सप्रेशन और वेरिएबल लिखा है वो जिस केस वैल्यू के साथ मैच होगा वही एक्सप्रेशन हमारे पास, वही ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये मैच नहीं होता तो दूसरा केस वैल्यू चेक करेगा, दूसरे केस वैल्यू अगर स्विच के अंदर जो हमने लिखा है उसके साथ मैच कर रहा है तो ये वाला ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ केस वैल्यूज हम बना सकते हैं जितने हमारे पास केस हों, तो उसके साथ हमारा प्रोग्राम जो है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। और अगर मान लीजिए कि कोई भी केस जो है हमारी स्विच की जो स्टेटमेंट है उसके साथ मैच नहीं किया, तो लास्ट में हमारे पास होता है एक डिफॉल्ट। ये देखिए डिफॉल्ट लिखने के बाद हम कोलोन लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे ब्लॉक ऑफ डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करवा देंगे, जैसे हम एल्स का यूज़ करते थे इफ एल्स के अंदर, वैसा इसमें इसका यूज़ होगा डिफॉल्ट का। और आपको याद रखना जब भी हम कोई केस वैल्यू लिखेंगे उसके बाद हमें एक कोलोन लगाना जरूरी है, ठीक है ना। आई होप कि आपको इसका सिंटैक्स समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से अब भी समझ नहीं आया कि स्विच केस का यूज़ कैसे किया जाता है, तो अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्विच केस का यूज़ कैसे किया जाता है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो चलते हैं हमारे टर्बोसूट स्टूडियो के ऊपर और वहाँ पर जाकर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम में करूँगा क्या, सिंपली तरीके से आपको समझाने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उससे पहले क्या करते हैं, हम उस प्रोग्राम का क्या लिख लेते हैं कि ये प्रोग्राम का कमेंट क्या है। तो कमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, प्रोग्राम टू इलुस्ट्रेट द यूज ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट इन सी। और यहाँ पे मैं अपना कमेंट क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊँगा जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अब ये प्रोग्राम कैसा होने वाला है वो बनने के बाद अब देखेंगे। मैं बहुत ही सिंपल प्रोग्राम बनाने वाला हूँ इस केस में, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है थोड़ा स्विच केस स्टेटमेंट। और जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ करके एक कैलकुलेटर बना सकते हैं स्विच केस स्टेटमेंट में, एक सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं सी में। तो आज का जो प्रोग्राम है बिल्कुल सिंपल बनाऊँगा। सबसे पहले मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद नीचे आऊँगा हैश इंक्लूड conio.h। वैसे conio.h मॉडर्न कंपाइलर्स में यूज़ नहीं किया जाता तो मैं इसे रहने दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा int रख लूँगा, ठीक है int रख लूँगा यहाँ पे। int को मैं सॉरी सबसे पहले मैंने void करना था, हाँ int main कर लेता हूँ। इंट मेन करने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ से नीचे आ जाऊँगा, कर्ली ब्रेसेस को करूँगा शुरू। और यहाँ पे मैं करूँगा इंटीजर रख लूँगा एक इंट ए, और इंट ए की जो वह वैल्यू है वो पहले दे रहा हूँ मैं 4, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर ए को एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, और उसको मैंने एक वैल्यू दे दी 4, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा प्रिंट एफ करूँगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। वैसे तो मैंने इसकी वैल्यू दे रखी है बट तब भी मैं यूज़र से इनपुट करवा लूँगा ताकि केस मेरे मैच हो जाए, ठीक है ना। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे मैं इसे बंद कर दूँगा। अब इसे कहाँ पे स्टोर करवाना है मुझे, क्योंकि एक इंटीजर टाइप का है तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो भी क्या करूँगा इसी को ही यूज़ करूँगा, परसेंट डी को ही यूज़ करूँगा। तो इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब मैं यहाँ पे स्विच का यूज़ करने वाला हूँ। तो स्विच का सिंटेक्स अगर आपको भूल गया तो मैं बता दूँ, स्विच लिखने के बाद हमने क्या करना है एक्सप्रेशन और वेरिएबल लिखना है कि हम किसके ऊपर काम करने वाले हैं, फिर उसे मैच करना है अलग अलग केस वैल्यूज़ के साथ। तो यहाँ पे मैं किसके ऊपर काम कर रहा हूँ ए के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा स्विच और ब्रेसेस लगाऊंगा उसके अंदर लिखूंगा ए, क्योंकि मुझे स्विच के ऊपर काम करना है। और याद रखिए इसके बाद आपको सेमी कोलोन नहीं लगाना है, ठीक है। स्विच का यूज़ करने के बाद आपको सेमी कोलोन नहीं लगाना है, तो मैं यहाँ पे सेमी कोलोन नहीं लगाऊंगा और आगे चलूँगा। तो जब हम आगे चलने के बाद मेरे पास यहाँ से मैं क्या करूँगा फिर से करीब ऐसे शुरू करूँगा और केस फर्स्ट रखूँगा, केस ए, ठीक है। अगर मेरा केस ए हो तो प्रिंट एफ करूँगा, सॉरी केस ए नहीं करना था मुझे, केस करना था मुझे यहाँ पे केस 4, कि अगर ए की वैल्यू 4 हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है, अगर ऐसा होता तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है यहाँ पे, द वैल्यू इज 4
नहीं तो अगर ऐसा नहीं तो उसके बाद मुझे ब्रेक भी यूज़ करना है, ब्रेक हर केस वैल्यू के बाद मुझे यूज़ करना है, हर स्विच केस वैल्यू में हमें ब्रेक यूज़ करना है प्रिंट एफ के बाद, मतलब जब भी हम कोई वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं उसके बाद हमें ब्रेक जरूर यूज़ करना है ताकि हमारा स्विच टर्मिनेट हो जाए। अगर मान लीजिए ये चीज़ ना हो तो मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा, जैसे कि उसमें हम एल्स यूज़ करते हैं, इसमें डिफ़ॉल्ट होगा डिफ़ॉल्ट, दिस इज रॉन्ग वैल्यू, और यहाँ पे सेमी कोलन लगाऊंगा और फिर से यहाँ पे मैं क्या करूँगा ब्रेक लगा दूंगा, और अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं गेट सी एच ई कर दूंगा, उसे कर दूंगा मैं बंद, और यहाँ पे मैं हाँ तो देखिए अब ये वर्क कैसे करेगा। हमने पहले ही ए की वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल कर दिया, तो मैंने क्या फिर से यूजर से वैल्यू तब भी इनपुट करवाई है कि जो भी वो वैल्यू इनपुट करेगा उसे मैंने ए के अंदर स्टोर कर देना है। तो मैंने यहाँ पे स्विच केस का यूज़ कर लिया, मैंने स्विच कर दिया ए को, ए को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे स्विच कर दिया, मतलब मैंने ए के ऊपर वर्क करना है, ए मेरे पास वेरिएबल है और मैंने वेरिएबल को क्या कर दिया स्विच कर दिया, और यहाँ पे मैंने केस वैल्यू 4, पहली केस वैल्यू मैंने दिया 4 कि मान लीजिए कि अगर ए की वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल आती है तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ द वैल्यू 4, द वैल्यू इज 4। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वैल्यू 4 इनपुट करूँगा तो जो मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा द वैल्यू इज 4, वरना क्या होगा मेरा डिफ़ॉल्ट का जो काम चलेगा ये डिफ़ॉल्ट अपना काम करेगा दिस इज़ रॉन्ग वैल्यू, ठीक है। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर वैल्यू मेरी ए की 4 के इक्वल होती है तो ये वाला ब्लॉक जो है प्रिंट हो जाएगा। आई होप चलेगा प्रोग्राम, अब इसे रन करके देखते हैं। जब मैं इसे रन करूँगा ओके, तो गेट सी एच आर का गेट सी एच ई नहीं यूज़ करना था हमें, अब रन करूँगा मैं इसे, देखिए अब वो कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 एंटर करता हूँ, देखिए क्या होगा द वैल्यू इज़ 4। जब मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 4 एंटर की तो यहाँ पे क्या हुआ जो ए है स्विच ए वेरिएबल ने सबके साथ मैच किया, वेरिएबल ए ने अपने आप को सबके साथ मैच किया अगर ए 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे इसे पता था ए इक्वल टू 4। अब ये चेक करेगा कि केस 4 कहाँ पे है, केस 4 यहाँ पे है, इसके साथ मैच कर गया, क्यों मैच कर गया क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 भरा है, अगर मैं यहाँ पे 4 भरूंगा तो ए हुआ है वो केस 4 के साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू हमने इनपुट करवाई है उसके साथ ये स्विच के अंदर जो हमने वेरिएबल लिखा है उसके साथ वो कंपेयर करेगा कौन सा वेरिएबल कौन से कॉन्स्टेंट के इक्वल आ रहा है, जिस कॉन्स्टेंट केस वैल्यू के साथ वो मैच कर जाएगा वही वो क्या होगा हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद हमने ब्रेक इसलिए यूज़ किया ताकि अगला वाला जो ब्लॉक है वो अपने आप ही क्या हो एग्जीक्यूट ना हो जाए, ताकि ये वाला स्विच जो है वो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है ना। मतलब सिंपली वेरिएबल मैच करेगा अपने आप को केस वैल्यूज़ के साथ, और जिस केस वैल्यू के साथ वो मैच हो जाता है वही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने 4 एंटर किया तो ये ए को 4 केस 4 के साथ मैच करेगा, कौन सा केस 4 है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता 3 तो इसके साथ मैच नहीं होना था, बट यहाँ पे मैंने 4 लिखा है तो उसके साथ ये क्या कर गया मैच कर गया, इसके साथ ही हमारे पास ये प्रिंट हो गया। आई होप कि आपको समझ आएगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट का हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और अगली वीडियो हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाएंगे क्योंकि आगे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ये वाली, तो अगली वीडियो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इस वीडियो में आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।